हेलो, वेलकम टू दिस वीडियो ट्यूटोरियल। आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे विजुअल बेसिक में मैक्रोज को कैसे डिलीट करते हैं। ठीक है, तो आप पहले डेवलपर टैब में जाएंगे, विजुअल बेसिक पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे हमने एक मॉड्यूल के अंदर तीन मैक्रोज लिखे हुए हैं। सपोज कर लीजिए हमें कोई मैक्रो यहाँ पर डिलीट करना है, फर्स्ट वन या सेकेंड वन। तो हम क्या करेंगे कि डेवलपर टैब में जाएंगे, मैक्रोज पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर हमारे पास सारे मैक्रोज जितने भी हैं शो हो रहे हैं। यहाँ पे आपको दिस वर्कबुक को सिलेक्ट करना है और जो मैक्रो आपको नहीं चाहिए उसको आप सिलेक्ट कीजिए और डिलीट का ऑप्शन प्रेस कीजिए। आपकी मैक्रो यहाँ से रिमूव हो गया। दूसरा, अगर मैक्रो आपको रिमूव करना है तो आप उस मैक्रो को सिलेक्ट कीजिए और डिलीट। तो अगर वन बाय वन करके आप मैक्रोज को डिलीट करना चाहते हो तो ये मैथड बेस्ट है। अगर आपको एक मॉड्यूल के अंदर अगर बहुत सारे मैक्रोज आपने लिखे हुए हैं और अब मॉड्यूल को आप रिमूव करना चाहते हैं, पूरे मैक्रोज को आप हटाना चाहते हैं, तो उसके लिए आप मॉड्यूल पे जाइए और मॉड्यूल पे राइट क्लिक कीजिए। राइट क्लिक प्रॉपर्टीज़ में रिमूव मॉड्यूल का ऑप्शन आता है, इस पर आप क्लिक करेंगे और ये आपसे पूछेगा कि आपको डेटा एक्सपोर्ट करना है। आपको हमें यहाँ पे एक्सपोर्ट नहीं करना है तो हम नो का ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे और हमारा यहाँ पर पूरा मॉड्यूल रिमूव हो गया। तो इस तरीके से हम मैक्रोज को डिलीट कर सकते हैं वन बाई वन या पूरे मैक्रोज को एक साथ। तो मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं अगली बार किसी दूसरे वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।